कुलभूषण जाधव मामले में भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में बड़ी सफलता मिली है। अपने ICJ के प्रमुख अब्दुल कवी अहमद यूसुफ ने 42 पेज के फैसले में ICJ ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से सजा की समीक्षा करने को कहा है। इसके साथ साथ उसे जाधव तक भारत को काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया है। ICJ ने अपने आदेश में कहा कि भारत को काउंसुलर एक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान से कहा कि वो जाधव को फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे और उसकी समीक्षा करे। जाधव को सजा की समीक्षा तक उन्हें दी गई फांसी की सजा को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को भारत की तरफ से कथित जासूसी करने और आतंकवाद में शामिल होने के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इससे पहले 21 फरवरी को ICJ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखे जाने के करीब 5 महीने बाद जज यूसुफ की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुनाया। जाधव की मौत की सजा पर ICJ ने मई 2017 को जो रोक लगाई थी वो जारी रहेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36(1) का उल्लंघन किया है। ICJ ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दिया और न ही उसकी तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने दिया। ICJ ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि वो जाधव तक भारत को काउंसुलर एक्सेस दे। इसका मतलब है कि अब भारतीय उच्चायोग जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य कानूनी सुविधाएं और सहायता दे पाएगा। पाकिस्तान ने भारत की अपील के खिलाफ जो प्रमुख आपत्तियां उठाई थी उसमें एक आपत्ति ये थी कि ICJ में भारत का आवेदन स्वीकार करने योग्य ही नहीं है। ICJ ने भारत के पक्ष में 15-1 से फैसला सुनाते हुए पाक की इस आपत्ति को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। इसके खिलाफ एकमात्र जज जिलानी ने अपनी राय रखी, वो एडहॉक जज हैं। हालांकि ICJ ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, जाधव की रिहाई और उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाने की भारत की कई मांगों को खारिज कर दिया। फिर भी ICJ का ये फैसला भारत के लिए बड़ी जीत है और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब। कोर्ट ने भारत की अपील के खिलाफ पाकिस्तान की ज्यादातर आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हुई है।